यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में कभी किसी ने की है और ना कभी मुझे लगता है आगे कोई करेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मनोज सारंगपानी के अपडेट्स के बारे में। तो गाइज, इन्होंने अपने इंस्टा पर ये पोस्ट शेयर किया जिसमें आप इनकी कंडीशनिंग को देख सकते हो, टॉप नोट्स दिख रही है और इनकी ओवरऑल बॉडी के अंदर हमें फाइबर्स क्लियर रूप से विजुअल हो रहे हैं। इस अपडेट में आप इनके शोल्डर और चेस्ट को देख सकते हो, कितने इम्प्रेसिव दिख रहे हैं। और हाँ भाई, आप इनके ट्रैप्स को भी नोटिस कर सकते हो। मनोज भाई की पूरी अपर बॉडी तो पत्थर की तरह दिख रही है जो आप इस अपडेट में देख सकते हो। मनोज भाई की चेस्ट फुल होने के साथ साथ फाइबर्स से भरी हुई है और इनके मिड सेक्शन को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा है जिसमें एब्स हार्ड और पॉप आउट हो रहे हैं। तो गाइस, आपने मनोज सारंगपानी भाई की ये फिजिक अपडेट देख ली, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ ही हम बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो आई एंड्रयू जैकेट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये अर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट कर रहे हैं और आप अर्नोल्ड क्लासिक से 5 वीक्स आउट वाली अपडेट देख सकते हो कैसी दिख रही है। इस अपडेट में आप सबसे पहले इनके ट्राइसेप्स और चेस्ट को देख सकते हो, कितनी ज्यादा यूज है एंड शोल्डर राउंडेड होने के साथ साथ 3D शेप में हमें दिख रहे हैं और फाइबर्स भी शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से एंड्रयू जैकेट अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि इस बार ये अर्नोल्ड क्लासिक में एक अच्छी प्लेसिंग सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनके अपडेट्स को देखकर क्या लगता है, आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। हमारी अगली अपडेट निकल कर आई है राजा अजीत और डेल्टा दिलीप की तरफ से। दोस्तों, इन्होंने अपने इंस्टा पर ये अपना इंटरव्यू डाला है जिसमें इन्होंने अपने अगले प्रो शो के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इन्होंने प्रो शो के 3 ऑप्शन रखे हैं जिनमें एक मुंबई प्रो शो है और दूसरा दिल्ली प्रो शो और तीसरा दुबई प्रो शो। डेल्टा दिलीप इन तीनों में से एक में कॉम्पीट कर सकते हैं। और जब राजा अजीत से पूछा गया कि तुम कौन से प्रो शो में कॉम्पीट करोगे तो इन्होंने बोला जहाँ पर डेल्टा दिलीप होंगे वहाँ पर आपको मैं भी मिलूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यह समझ सकते हैं कि जिस कॉम्पिटिशन में डेल्टा दिलीप कॉम्पीट करेंगे उसमें ही राजा अजीत करेंगे। तो गाइस, अब आपको क्या लगता है कि ये दिल्ली में होने वाले प्रो शो में कॉम्पीट कर सकते हैं नहीं, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर लिखें। तो हमारी अगली अपडेट है नितिन चंदीला भाई के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि नितिन भाई की एक इंजरी हो गई थी और इन्होंने अपने हॉस्पिटलाइज होने की स्टोरी भी डाली थी। पर फ्रेंड्स, अब आपको बता दूं तो ये उस इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं और अपने वर्कआउट को दोबारा से कर रहे हैं। जो आप देख रहे होगी नितिन भाई के बाइसेप्स कितने बड़े दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो आई है सुभाष खामकर की तरफ से। तो गाइज, इन्होंने अपनी जिम ओपनिंग कर दी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जिम होने वाली है एंड अब ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि 18 फरवरी को करेंगे। सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो वो अनाउंसमेंट 18 फेब को होने वाली है। एक ऐसी चीज करने जा रहा हूँ जो आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में कभी किसी ने की है और ना कभी मुझे लगता है आगे कोई करेगा। आने वाले टाइम में मतलब 18 फेब को इसकी अनाउंसमेंट होगी और वहां पे कुछ बड़ा धमाका होने वाला है और इसका जो फायदा है वो हमारे देश के हर एक नागरिक को होने वाला है, हो सकता है। तो दोस्तों, स्टे ट्यून, 18 फेब को इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है।